कि मैं ये तीन इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। IRCC उनको बहुत जल्द इंटीमेट करेगी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तुषार और मैं रहता हूँ विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में। इस चैनल में मैं बनाता हूँ इन्फोटेनमेंट वीडियोज, यानी कि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट अबाउट लाइफस्टाइल इन कनाडा एंड लाइफ इन कनाडा। यार, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, वो जो लाल रंग का बटन दिख रहा है ना मेरे टी शर्ट से मैचिंग, उसको जरूर सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। यार, फ्राइडे 17 मार्च को जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर है शॉन फ्रेजर, उन्होंने एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। यार, वो अनाउंसमेंट क्या है, वो अनाउंसमेंट किन लोगों के लिए वैलिड है और वो अनाउंसमेंट कब एप्लीकेबल होगी या फिर कब इफेक्ट में आएगी, मैं ये तीन इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स। शॉन फ्रेजर ने जो अनाउंसमेंट करी है वो सबसे ज्यादा हेल्प करेगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो वो अनाउंसमेंट ये है कि जिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वर्क परमिट एक्सपायर हो गए या एक्सपायर होने वाले हैं, वो अब एलिजिबल होंगे एक नई पब्लिक पॉलिसी के अंदर, जिसमें कि अब अपना वीजा, वर्क परमिट वीजा, वो 18 मंथ से एक्सटेंड करवा सकते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, उसको PGWPP भी कहते हैं, उनके पास ऑलरेडी अगर वो PGWPP है तो IRCC उनको बहुत जल्द इंटीमेट करेगी और उनको रीच आउट करेगी इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। वो कैसे करेगी वो आपको बता देता हूँ। वो आता हूँ कि वो आपको जब कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको बोलेंगे कि आप अपने ऑनलाइन लॉगिन, ऑनलाइन अकाउंट में जाइए और वहाँ पे लॉगिन करिए और इस पॉलिसी में ऑप्ट इन कीजिए। इस पॉलिसी में एक सेकंड कैटेगरी को लोग भी एलिजिबल होंगे कि कैटेगरी में, यानी कि अगर आपका वर्क परमिट 2022 में या 2023 में ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, आप भी इस कैटेगरी में एलिजिबल होंगे और इसमें आप अपना स्टेटस रिस्टोर करवा पाएंगे। तो जब तक आपका स्टेटस रिस्टोर नहीं होता या आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो अपडेट नहीं होता, आपको IRCC एक इंटरिम ऑथराइजेशन टू वर्क देगी। लास्ट कैटेगरी ऑफ लोग जो इसमें एलिजिबल होंगे वो हैं 2022 में जब ये वर्क परमिट एक्सटेंशन की पॉलिसी आई थी और उन लोगों ने अप्लाई किया था और उनको वर्क परमिट एक्सटेंशन मिला था, वो भी इस कैटेगरी में एलिजिबल होंगे और उनको अपना स्टेटस रिस्टोर करने का मौका मिलेगा बाय 18 मंथ्स। तो यार, ये थी मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव और रीसेंट वीडियो अबाउट द न्यू वर्क परमिट एक्सटेंशन इन कनाडा, जो कि 18 मंथ्स के लिए है। तो यार, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए और यार फिर से बोलूंगा, वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मैं रेगुलरली इस चैनल पे इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस कनाडा में बनाते रहूंगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक ले गुड बाय।